गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट। माही और मैं ऊपर आ गए थे क्योंकि मुझे वीडियो अपलोडिंग के लिए डालना था, और यहाँ पर हम लोग ऊपर आए थे तो उसके पापा ब्रेकफास्ट लेके आए थे, तो यहाँ पर हम लोग दोनों भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और समोसा, गीला वड़ा और ये वड़ा लाया था उन्होंने, क्योंकि आज ना माही की छुट्टी थी, मतलब स्कूल की, तो इसी वजह से उनको लगा कि चलो बाहर से ब्रेकफास्ट लाते हैं, क्योंकि छुट्टी के दिन थोड़ा सा लेट उठना होता है, इसी वजह से वो थोड़ा मतलब बाहर से ही ब्रेकफास्ट लेके आए थे, क्योंकि घर पे मुझे बनाना पड़े इसी वजह से। और ये दो चटनियाँ मिलती है, तो ये तीन चटनियाँ मिलती है उसके साथ, तो दो चटनियाँ वैसे ही रहती है, हम लोग नहीं खाते, हमें नहीं पसंद है। और ये एक चटनी हम लोग खाते हैं, मतलब थोड़ी सी उसमें दही वगैरह रहता है तो हम लोगों को अच्छा लगता है, और इसी वजह से यही हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। उसके साथ मैंने चाय भी बना ली थी, तो हम लोग चाय भी यहीं पर पी रहे थे। तो सुबह का मतलब संडे के, मतलब संडे बोल रही हूँ जिस दिन छुट्टी होती है तो संडे ही याद आता है, मतलब जिस दिन छुट्टी होती है ना तो उस दिन का ऐसे ही होता है रूटीन, थोड़ा सा लेट उठना, थोड़ा सा ये होना, मतलब थोड़ा सा आलसी रूटीन होता है तो इस तरह से। बट बाद में आलसी रूटीन नहीं होगा, यहाँ अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा लेट लेट चल रहा है क्योंकि मुझे वीडियो भी अपलोडिंग के लिए डालना था, और यहाँ पर हम लोग साथ साथ ब्रेकफास्ट भी कर रहे थे, उसके बाद मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगी ही, बट अभी फिलहाल थोड़ा सा रिलैक्स होके हम लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपने कामों में लग गई थी, बट बीच बीच में माही भी कर रही थी क्योंकि माही की छुट्टी थी, तो इसी वजह से वो भी बोर हो जाती है छुट्टी के दिन, बोल रही थी कि कहीं पर घूमने के लिए चलो, बट ना वो इनकी ड्यूटी की वजह से नहीं हो पाता है यार, मतलब बच्चे भी बोर हो जाते हैं इनकी ड्यूटी की वजह से, क्या करें, हम लोग भी बोर हो जाते हैं, बट बाहर नहीं जाना होता है, हमारा छुट्टी के दिन भी बाहर नहीं जाना होता है, तो इसी तरह से हमें घर पर ही टाइम पास करना होता है, तो हम लोग घर पर ही टाइम पास कर रहे थे। बट टाइम पास का क्या है, घर के काम हो रहे थे इसमें, तो माही भी मेरे साथ मतलब ऊपर आ गई थी, फिर माही भी मुझसे बातें कर रही थी, तो वो बोल रही थी कि मम्मा मैं हेल्प करूँ क्या, मम्मा मैं हेल्प करूँ क्या, तो थोड़ी सी उसने भी बाद में हेल्प कर दी थी, बट वो ना बहुत बोर हो जाती है छुट्टी के दिन, तो मैं सोचती हूँ किसी की छुट्टी ना रहे, मतलब इसकी इसको बीच में छुट्टी ना मिले, तो इसी वजह से मतलब बहुत परेशान करती है बड़ी होके भी, मतलब क्या उसके लिए किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करती, सिर्फ ये बोलती है कि बाहर लेके चलो, बट ना इनके, मुझे अकेला बाहर जाना पसंद नहीं है, और मैं सोचती हूँ कि इनकी ड्यूटी की वजह से, मतलब ये भी साथ में आए तो अच्छा रहेगा, मतलब साथ में पूरी फैमिली एंजॉय करेंगे, बट आप लोगों को पता ही है ड्यूटी कैसी रहती है, इन लोगों की ड्यूटी कभी भी आ जाती है और कभी भी इनको जाना पड़ता है, तो ऐसा ही होता है। और जो भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि कैसा होता है, और जाने दीजिए, कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ऐसी भी लाइफ होनी चाहिए, और कभी कभी जब भी टाइम मिलता है वो तो हमें टाइम देते ही है ना, और फुल टाइम हमें देते हैं उस दिन, तो इसी वजह से मुझे इतना कुछ लगता नहीं है। और सिर्फ ऐसा है कि हम लोग नहीं जा सकते हैं कहीं घूमने के लिए, नहीं जा सकते हैं, बट बाहर घर पर भी फुल टाइम देते हैं वो हमें, और ये भी मतलब बाहर भी कहीं जाते हैं तो फुल टाइम देते हैं। और यहाँ पर मैं दूसरे गैलरी में आ गई थी, गैलरी क्लीन कर रही थी, तो गैलरी वो वाली क्लीन हो गई थी, इस गैलरी में अभी क्लीन करना बाकी है, और गैलरी ना एक हफ्ते में एक बार क्लीन होती है, और कभी कभी बीच में भी हो जाती है, कभी कभी ये ऊपर आ जाते हैं, थोड़ी सी धूल मिट्टी दिख जाती है तो ये भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही करती हूँ, बट आज मुझे था टाइम तो मैंने कर लिया। और यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं आपको प्लांट दिख रहे हैं, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है उन्हें नहीं पता होगा, बट जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है उन्हें तो पता है कि ये जो प्लांट है वो आर्टिफिशियल प्लांट है, हमने वो क्या बोलते हैं गमलों में उसे फिट किया है सीमेंट डाल के, तो इसी तरह से अच्छे दिखते हैं और टेंशन भी नहीं रहता है पानी वानी डालने का, और ये तो हम लोगों को बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे ही घर में आते हैं ना, तो आपको तो टेंशन ही है नहीं है कि ऊपर पानी डालने का, ये वो अच्छे भी दिखते हैं करके, तो अच्छे दिखते हैं, और इस तरह से सिर्फ इसको धुलना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा धूल मिट्टी उस पर बैठ जाती है तो उसको सिर्फ क्लीन करना पड़ता है, बस जब गैलरी क्लीन करती हूँ तो उसे भी क्लीन कर लेती हूँ, और ऐसे इस तरह से, और वो फ्रेश दिखने लगते हैं दोबारा से, तो इस तरह से गैलरी क्लीन कर लूँगी, उसके बाद फिर अपने काम कर लूँगी बाकी के, तो बस इसी तरह से हफ्ते में एक एक या दो बार गैलरी क्लीन होती है, ऊपर आना नहीं होता है यार ज़्यादा, मतलब क्लीनिंग के लिए ही ऊपर आना होता है या वीडियो अपलोडिंग के लिए ऊपर आना होता है, ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता है घर, मतलब कम मेंबर रहे ना तो ज़्यादा घर यूज़ नहीं होता है। गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ क्या हुआ है, मैं ना ऊपर आपको तो पता ही है उसके लिए गई थी क्लीनिंग के लिए, नीचे चाय बनाने के लिए रख दी, और उसी टाइम याद आया कि गैलरी क्लीन करनी है, तो मैं वैसे क्लीन करने गई, और ना
नीचे आई तो पूरा धुआं धुआं। अब मुझे लगा पानी चल रहा होगा, तो पानी देखने के लिए आई मैं किचन में, और यहाँ पर चिमनी चल रही है तो थोड़ा सा आवाज आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा धुआं हो गया था किचन में, तो इसी वजह से चिमनी चला रही थी। और यहाँ पर ना पूरी चाय जल गई मेरी, आप देख सकते हो पूरा बर्तन जल गया है। मतलब पता नहीं इसमें मैंने क्या किया था, मतलब उसमें चाय बनाई थी, और एक्चुअली जो चाय छान के रखी थी, ये देखो इसमें चाय बनाई थी, और फिर थोड़ी सी बच गई थी तो चाय छान के रख दी थी, तो मैंने इसमें रखी थी, तो मैंने सोचा जो गर्म करके पी लेती हूँ। एक्चुअली मैं ना गर्म करके माइक्रोवेव में ही गर्म करती हूँ हमेशा, बट इस बार मैंने वो पतीले में रखी है, इसमें रखी, और चाय गर्म करने के लिए रख दी, और मैं टोटली भूल गई कि मैं चाय रखी है मैंने करके। और एक दूसरा कांड भी हो गया, मैंने क्या किया, मशीन में कपड़े डाल दिए, और मेरा जो लोअर रहता है उसमें ना पैसे थे देखो पैसे भी गीले हो गए। जब मैं पानी चेंज करने गई, मतलब पूरा हो गया पहला राउंड, और जब पानी चेंज करने के लिए गई तो आगे नोट आई, ये तो तीनों तो 30 रुपीज थे, एक 20 रुपीज की नोट, आ मी नहीं चली उठे, तो ये थर अहो बघा काय झालं ये नोट ओला झालं जास्त नाही 30 रुपीज होते, आता उन्हात ठेवते, अभी मैं धूप में रखूंगी इसे सुखाने के लिए। कुछ कहीं पर नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अभी आप ही गए थे ना गाड़ी की पूजा करने मंदिर में, अद्विक और उसके पापा अभी मंदिर में गए थे गाड़ी की पूजा कराने, और यहाँ पर सुखाने के लिए रख देती हूँ अभी नोट धूप आ रही है तो अच्छा है, इनको लगा बहुत ज्यादा पैसे थे इसी वजह से, मेरे डेली यूज के पैंट में कितने ज्यादा पैसे रहेंगे तो उसमें 30 रुपीज, कल ना कुछ 100 रुपीज मैं लेके गई थी, तो उसमें ना थोड़े से 30 रुपीज बच गए थे, 70 रुपीज की कुछ चीज लाई थी मैंने, और वो ऐसे ही लोअर में डाल दिए थे मैंने जेब में लोअर के, तो वैसे ही थे, और आज धोने के लिए डाला तो, और पूरे पैसे बिक गए, और ये भी और पतीला भी हो गया जल गया, दोनों चीज हो गई आज, बहुत बड़ा कांड हो गया तो चलो फिर अभी दूसरे काम करते हैं, चलो उसमें ही नहीं लगना है, बर्तन भी क्लीन करने हैं और कपड़े भी डालने हैं, तो कपड़े मैं क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। क्योंकि ना मतलब गैलरी में अच्छे से ऐसे धूप दिख रही थी मुझे, इसी वजह से मैंने सोचा चलो गैलरी में ही डालते हैं आज कपड़े, इस वजह से मैं ऊपर आ गई थी, और कभी कभी मैं नीचे डाल देती हूँ, कभी कभी ऊपर डाल देती हूँ, तो अगर पीछे की धूप चली जाती है तो गैलरी में अच्छे से धूप आती है, तो यहाँ पर फिर डाल देती हूँ कभी कभी कपड़े, तो आज गैलरी में अच्छे से धूप दिख रही थी, तो चलिए फिर अभी नीचे चलते हैं, और हाँ बर्तन भी क्लीन करने हैं तो वो भी क्लीन कर लूँगी, सब्जी बनानी है, रोटियाँ बन चुकी हैं, तो चलो फिर अभी सब्जी बनाते हैं और बर्तन क्लीन करती हूँ। और गाइज यहाँ पर काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, मतलब रात के काफ़ी सारे बर्तन मुझे अरेंज करने थे अपनी जगह पे, और फिर बाद में जो भी बर्तन थे सुबह के बर्तन निकले थे, काफ़ी सारे बर्तन थे सुबह के भी, चाय के बर्तन और क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट के बर्तन, और क्या बोलते हैं तो उसे रोटी बनाई थी उसके बर्तन, तो इतने सारे बर्तन निकले थे, तो वो भी मुझे क्लीन करने हैं, बट उससे पहले मैं रात के बर्तन जो है वो अरेंज कर देती हूँ, और उसके बाद फिर बाद में बर्तन क्लीन करने लग जाती हूँ, क्योंकि उसमें अगर वो अरेंज नहीं करूँगी तो हम दूसरे किस में रखूँगी, तो इसी वजह से, और अरेंज करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत टेंशन लगता है मुझे अरेंज करने का, तो फिर भी मतलब बहुत सारे बर्तन हैं इसी वजह से, और इतनी जगह है फिर भी इतनी जगह में फिर भी कम पड़ती है, जितनी भी जगह हो घर में उतनी जगह बर्तन के लिए कम पड़ती है, और हम लोग ना कहीं पर भी जाते हैं तो अलग अलग बर्तन लेते ही रहते हैं, न्यू न्यू फैशन निकलती रहती है, और हम लोग न्यू न्यू फैशन के बर्तन लेते रहते हैं, और
आप लोग सोचते भी होगे कि ये यही वाले बर्तन में खाना क्यों खाती है, मतलब वो स्टील वाले जो वो खाने वाले बर्तन हैं तो वो क्यों खाती है उसमें खाना, बट ना स्क्वायर वाले ये मैं स्पेशली अभी लेके आई थी क्योंकि ना ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं उसे लेके आने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो गए होंगे 6-7 महीने, तो उसी टाइम से मैं उसमें ही खा रही हूँ क्योंकि बर्तन ज़्यादा नहीं निकलते हैं, नहीं तो प्लेट्स और वो छोटी प्लेट कटोरिया बहुत सारी निकलते हैं, तो इसी वजह से मैं उसी में खाना पसंद करती हूँ क्योंकि वो वाले थोड़े 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 से ही बर्तन दिखते हैं और जब दूसरे थाली में लेते हैं तो उसके लिए प्लेट अलग से लेना पड़ता है, वो अलग से लेना पड़ता है, कटोरी अलग से लेनी पड़ती है, इसी वजह से बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बिल्कुल मैं मतलब मुझे ना बहुत सारे बर्तन दिखते हैं तो इतना टेंशन आ जाता है बर्तन साफ़ करने का, तो इसी वजह से मैं वही वाले बर्तनों में खाना खाती हूँ। जब गेस्ट वगैरह आते थे तो थोड़ी सी टेंशन मतलब दूसरे वाले बर्तन निकालती हूँ, और है दूसरे वाले बहुत सारे बर्तन है मेरे पास, बट निकालना घर पे तो हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और अभी एडविक छोटा है तो डिनर सेट भी यूज़ नहीं करते हैं, दूसरे जो फाइबर वाले डिनर सेट है या वो ग्लास वाले डिनर सेट है वो भी यूज़ नहीं करते क्योंकि ये तोड़ ही देता है, कब तो इतने तोड़ता है तो मतलब पूछो ही मत। यहाँ पर माही गोवा काट रही थी तो मतलब बच्चे ना मतलब ये बहुत ज़िद करती है ऐसे काटने वाटने के लिए, बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उसने कैमरा ऑन कर दिया था, तो मतलब क्या होता है कि बच्चों को करने भी देनी चाहिए कुछ चीज़, जैसे करेंगे तभी तो सीखेंगे ना बच्चे, तो बोल रही थी कि आप बर्तन क्लीन कर रही हो मम्मा तब तक मैं गोवा काट के रख देती हूँ, और उसको भी पसंद है गोवा खाना और मुझे भी थोड़ा सा बीच में फ्रूट खाती हूँ कोई तो वो मैं खा रही थी उसके साथ, तो बीच में ही उसने बुला लिया था और बर्तन क्लीन कर लिए थे मैंने, बट वो क्लीन करना बाकी था तो इसी वजह से खा लिया था उसके, मतलब उसकी जिद थी तो इसी वजह से मतलब जिद भी मानना पड़ता है बच्चों को, थोड़ा सा खुश भी रखना पड़ता है कभी कभी, तो उसको भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं जो जला हुआ बर्तन है उसमें पानी डाल के थोड़ा सा भिगोने के लिए मतलब उसको नरम करने के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं क्लीन करूँगी, और क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था गाइज उसको, मतलब आपको क्या बताओ घिस घिस के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, फिर भी इतना अच्छे से नहीं निकला है, बट 2-4 बार अगर क्लीन करूँगी तो वो अच्छे से निकल जाएगा। और यहाँ पर मैं गैस का स्लैब जो काउंटर टॉप है वो क्लीन कर रही थी, तो क्योंकि मुझे क्लीन करके रखना था, बाकी के काम तो हो गए थे, सिर्फ क्या बोलते हैं उसे सब्जी बनानी बाकी थी और क्या बोलते हैं मतलब कुकर लगाना बाकी था, तो इसी वजह से फिर वो ही रह गया था, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो क्लीन कर लेती हूँ सारा कुछ और उसके बाद वो करने लग जाती हूँ, तो इसी तरह से मैंने काउंटर टॉप जो है वो क्लीन कर लिया था, फिर थोड़ा सा किचन अच्छा दिखता है तो मुझे भी काम करने में अच्छा लगता है, और मेरी थोड़ी सी आदत गंदी बोलो या अच्छी बोलो मुझे नहीं पता, मेरी आदत ये गंदी है या नहीं अच्छी है मतलब आप ही बता सकते हो, और मुझे लगता है कि ये आदत अच्छी है क्योंकि मुझे बार बार मैं क्लीन करती रहती हूँ ये वाला, मतलब काउंटर टॉप मुझे क्लीन चाहिए, सिर्फ जब भी मैं खाना बनाती हूँ या कुछ भी करती हूँ ना तो मुझे काउंटर टॉप क्लीन चाहिए, तो बस। और यहाँ पर मैं दाल चावल लगा दे रही हूँ कुकर में, आज मैं ना दाल चावल अलग अलग नहीं बना रही हूँ ऐसे कंटेनर में बना रही हूँ क्योंकि कम क्वांटिटी में बनाना है, तो इसी वजह से, और कौन कौन ना ऐसे कंटेनर में बनाता है मुझे ज़रूर बताना, एक्चुअली महाराष्ट्र में ज़्यादातर कंटेनर में ही बनाता है इस तरह से चावल और दाल, तो इसी तरह से मैं लगा देती हूँ, थोड़ा सा ना टाइम भी इससे वो हो जाता है सेव हो जाता है और जल्दी बन जाता है, तो इसी तरह से मैं कभी कभी बना लेती हूँ, और कम क्वांटिटी में बनाना हो तो ठीक है यार, नहीं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो कोई मतलब ये नहीं है। और हाँ यहाँ पर मैं गोभी और उसकी सब्जी बना रही हूँ गोभी मटर की, तो इसी वजह से मैंने उसके लिए गोभी चॉप कर ली है और चॉपर में अपना प्याज भी चॉप कर लिया है, और यहाँ पर जो गोभी का जो नीचे का वो निकला था थोड़ा सा कचरा तो वो भी मैं उठा लूँगी साथ साथ में और उसे भी क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद मैं अपना सब्जी बनाना स्टार्ट करूँगी, और बस ये कीड़ा पता नहीं मेरा कब जाएगा। और यहाँ पर मैं मेरी कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी थी तो मैंने उसमें तेल ऐड कर दिया, फिर अभी मैंने सब्जी बनाना स्टार्ट कर दूंगी, और हाँ गोभी मटर की सब्जी बना रही हूँ आज ना, मतलब पता नहीं है गोभी मटर की इनको सब्जी खाना का मन कर रहा था तो इसी वजह से मैंने सोचा, इन्होंने मुझे बोला था कि गोभी मटर की सब्जी बना के रखना और मटर भी बहुत ज़्यादा छिल के रख दिए थे तो इसी वजह से, और यहाँ पर थोड़ा सा राई डाल दी है थोड़ा सा जीरा डाल दिए है और उसमें मैं ऐड करूँगी अपना क्या बोलते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक का पेस्ट हो जाने के बाद उसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी, और ना उसमें चॉपर में बहुत ही अच्छे से चॉप हो रहा है यार प्याज, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, इतना बारीक बारीक प्याज चॉप हो रहा है ना कि
ऐसा लग रहा है कि माँ ही बोल रही थी कि अभी मिक्सर का काम ही नहीं है, बट मिक्सर का काम पड़ता है जब हमें पेस्ट बनाना होता है। बट इसमें ना चॉप बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ही फाइन चॉप हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसी वजह से मैं अभी इसमें ही चॉप कर रही हूँ ऑनियन वगैरह। और टोमेटो भी बारीक फाइन चॉप करने के लिए अच्छा है ये, और गार्लिक या जिंजर ये सारी चीज़ें चॉप हो जाती है अच्छे से। और इस तरह से मैं चला लूँगी और अच्छे से ब्राउन होने दूँगी प्याज को। और उसके बाद आज टोमेटो ऐड नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि टोमेटो ख़त्म हो गए थे इसी वजह से टोमेटो ऐड नहीं करूँगी। टोमेटो मैंने इनको बोल दिया था मतलब लाने के लिए, और हल्दी पाउडर ऐड किया है और क्या बोलते हैं मिर्च पाउडर ऐड किया है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी और सादी सी सब्जी बना लूँगी। पहले मटर ऐड करूँगी और उसके बाद गोभी डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ क्या बोलते हैं गरम मसाला एवरेस्ट का। और ना मैंने पहली बार इस तरह से इस साइड में कैमरा रखा था, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि ऊपर विंडो है और वहाँ से धूप आ रही थी, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा दिख रहा है आपको थोड़ा सा। मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह से होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर रखती ही नहीं कैमरा। और अगर मतलब फर्स्ट टाइम रखा था मैंने, इसी वजह से मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। और अभी देख रही हूँ तो एडिटिंग करते टाइम कि बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी दिख नहीं रहा, बिल्कुल ब्लर ब्लर दिख रहा है। तो इसी वजह से अभी इसके बाद मैं कभी यहाँ पर कैमरा नहीं रखूँगी। थोड़ा सा एंगल चेंज करने के लिए मैंने रख दिया था यहाँ पर, बट अभी पता चल गया है मुझे कि यहाँ पर कैसे दिख रहा है। बस यहाँ पर मैंने सब्जी को तड़का दे दिया है, अभी थोड़ी सी सब्जी को पानी डालना है सब्जी में और बस सब्जी को ढक के रख देना है। मेरी जो मतलब मेरा जो खाना है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, और इसके बाद हम लोगों को सिर्फ खाना खाना है अभी। और मेरा कुकर भी आप देख रहे हो कि सीटियाँ दे रहा है, सीटी मार रहा है कुकर भी, तो मेरा कुकर भी मतलब कुकर भी बन गया, बोल रही थी मेरी जो दाल चावल है वो भी बन गया है और सब्जी भी बन गई है, तो अभी हम लोग खाना ही खा लेंगे। चलिए गाइस खाना तो हो चुका है और अद्विक और उसके पापा सो भी गए हैं और हम ही माँ बेटी जग रहे हैं, तो थोड़ी देर में हम भी थोड़ी सी रेस्ट करेंगे। अद्विक और मतलब अद्विक थोड़ा सा रो रहा था इसी वजह से उसके पापा लेके गए उसे बेडरूम में और सुला दिया उसे। और हाँ मैंने वीडियो अपलोडिंग के लिए डाला है तो अभी तक नहीं हुआ है वो, अभी बज रहे हैं 2:30 3 या 4:15 बजे, 3:05 हुए हैं अभी, तो इसी वजह से अभी तक अपलोड नहीं हुआ है वीडियो। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अपलोड हो ही जाएगा, क्योंकि ना 81% हुआ है तो। और यहाँ पर माही स्किपिंग कर रही है, रोप स्किपिंग, कहाँ हो आप दिख ही नहीं रहे हो घर पे, क्योंकि मतलब उसकी प्रैक्टिस चल रही है। एक्चुअली उसने ना पार्टिसिपेट किया है रोप स्किपिंग में, तो इस वजह से वो प्रैक्टिस करती रहती है, वो भी घर में चलिए फिर मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हो तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।